गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. आज बेटा जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. सबसे पहले आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर. और ये बेटा दोनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं. मतलब अगर मैं कहूँ इधर करेंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो मैंने दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बोले थे फर्स्ट पार्ट में जब मैं पढ़ा रहा था, drift velocity of the electron, relation between the drift velocity and the current, and sorry, three derivation. Third one is the expression of resistance and resistivity in terms of microscopic variables like number of free electrons per unit volume and average relaxation time tau. उन तीन के बाद ये अगले दो important derivations हैं जो सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो बेटा इन बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लेट देयर आर द टू सेल्स. आप थ्री सेल्स भी ले सकते हैं. टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी, एंड दिस इज द वे टू कनेक्ट इन द सीरीज. ये पॉजिटिव टर्मिनल बेटा, ये नेगेटिव, इसका ईएमएफ E1 है. इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है इन बिटवीन द टर्मिनल ए एंड सी. बिटवीन द सी एंड बी इसका ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है. इनके अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है जिसके अक्रॉस ये दोनों सेल मिल के इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. लेट इट डिस्चार्जेस द करंट I. आप देख सकते हैं कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, जब भी मैं यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R दिखाता हूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस R के मायने ये है कि पूरे सर्किट का ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है. आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम है. यहाँ पर बेटा जो सेल कनेक्टेड किए गए हैं वो सीरीज में तो है, पहली बात. दूसरी बात, वो ऑर्डर्ड सीरीज कॉम्बिनेशन है. अब बताते हैं कि सर ये ऑर्डर्ड सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है. मैंने कहा कि जब एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, देन दिस इज सेड टू बी ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन. अगर लाइट पोलैरिटी सेम टर्मिनल पर कनेक्ट हो गई तो क्या होगा, वो भी हम एंड ऑफ द टॉपिक पर आपको बताएंगे. अब देखिएगा बेटा, अगर मैं यहां पर देखूं VA-VC, मेरे बच्चे जो आप लोगों को बात मैंने बताई थी उनको यहाँ रिकॉल कर रहा हूँ. याद करिए, जब प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता रहा था तो मैंने कहा कि अगर किसी भी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाल रहा हूँ मैं, तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि वो सेल डिस्चार्ज कर रही है बेटा. और जब कोई भी सेल डिस्चार्ज करती है तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V = E-IR. अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस, ये हायर पोटेंशियल है, पॉजिटिव से करेंगे नेगेटिव लोअर पोटेंशियल है. VA-VC एंड VA-VC चूंकि डिस्चार्जिंग दिखाई है, E1 - I × R1. सिमिलरली VC-VB टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VC-VB एंड दैट विल बी इक्वल्स टू E2 - IR2. अब अगर हम नेट पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में देखें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी प्लस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी, ये लिखा जा सकता है. अब देखो हमें इनका इक्विवेलेंट निकालना है. इक्विवेलेंट निकालने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेम सर्किट में ए और बी के क्रॉस इन दोनों सेल को हटा के एक सेल रख देता, जितनी करंट ये डिलीवर कर रहे हैं वहां पर उतनी ही करंट डिलीवर होती, वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता, तो आप ये कहते कि वो सेल इन दोनों का क्या कहलाता, इक्विवेलेंट. तो मैंने कहा अगर मैं इस कॉम्बिनेशन की बेटा इक्विवेलेंट सर्किट आपके सामने ड्रॉ करूं, अगर इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं, ये टर्मिनल ए है बेटा, आपने कहा दोनों सेल को मैंने एक सेल से रिप्लेस कर दिया, वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है जितना वहां पर दोनों का मिल गए है,
जितनी करंट वहां पर डिलीवर हो रही है सर्किट को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को, उतनी ही करंट यहां पर डिलीवर हो रही है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को, तो आप ये कहेंगे कि ये सेल इन दोनों का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा, और इसके ईएमएफ को मैंने लिखा इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट। तो अगर मैं फॉर इक्विवेलेंट सेल अगर लिख दूं यहां पर अगर फॉर इक्विवेलेंट सेल मैं यहां पर लिख दूं इक्विवेलेंट सेल, तो आप ये कहेंगे कि VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I इनटू R इक्विवेलेंट, रख दो वैल्यू को, यहां से आपका आ गया E इक्विवेलेंट माइनस I इनटू R इक्विवेलेंट। VA माइनस VC को आप लिख सकते हैं E1 माइनस I R1, और VC माइनस VB को आपको लिख दो E2 माइनस IR2। दिस इंप्लाइड दैट E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, और अगर हम I से I के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो देखो I कॉमन होगा R1 प्लस R2 हो जाएगा ना बेटा, एंड R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो जब भी हम सेल को ऑर्डर्ड सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 प्लस E2 हो गया बेटा, और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस बात पर कतई कंफ्यूज मत होइएगा कि ये हमेशा E1 प्लस E2 होगा ना बेटा, ये डिपेंड करता है कि ऑर्डर में है कि आउट ऑफ ऑर्डर है, वो मेरा अपना एक वर्ड है यूज करने का, क्या कहना चाहता हूं वो सुनना। जितने भी सेल ऑर्डर में कनेक्टेड होंगे उनके ईएमएफ तो ऐड होते जाएंगे, लेकिन अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो गए तो ऐड नहीं होंगे। देखो कैसे दिखाता हूं, यहां पर मान लीजिए दो सेल है, वही कॉम्बिनेशन आपको दिखा रखा, और आगे सर्किट बेस्ड क्वेश्चन में आपको इस कंसेप्ट को अप्लाई भी करना होगा। आप देख सकते हैं इस बार दोनों की नेगेटिव क्वालिटीज आपने सामने, ऐसे पॉजिटिव भी आपने सामने हो सकती थी। इस केस में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ वो बेटा ई वन माइनस ई टू होगा। कहीं सर ये क्या लिख रहे हैं, मैंने कहा ये इसलिए लिख रहे हैं कि अगर ई वन का ईएमएफ मतलब ई वन ग्रेटर देन ई टू होगा, देन दिस इंप्लाइज दैट ई इक्विवेलेंट ई वन माइनस ई टू होगा, और अगर ई टू ग्रेटर देन ई वन होगा, E2 greater than E1 होगा, then in that case the equivalent EMF will be E2 minus E1। Internal resistance पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, it will remains the same, that is R equivalent is equals to R1 plus R2। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में ऐड होंगे, करंट ज्यादा हो या कम अपोजिशन ऑफर्ड पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये बात रही कि किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहीं पर अगर कई सारे सेल होते तो ये एनी हो जाता, ये एनआर हो जाता। तो ये बात रही बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। अब हम आएंगे नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। नाउ बेटा वी कम टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम जानते हैं कि अगर हम कॉमन टर्मिनल्स के बीच में सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं, इन बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी वी हैव जस्ट कनेक्टेड अ सेल ऑफ ईएमएफ ई वन एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन, एंड इन बिटवीन द सेम टर्मिनल ए एंड बी वी हैव कनेक्टेड सेल ऑफ ईएमएफ ई टू एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर टू। This is the terminal A and this is the terminal B, and across the terminal A and B a DC, sorry, an external resistance is connected, capital R, and again I am saying that it is the equivalent of the resistance of the complete circuit in between the terminals A and B. Manika, let us consider that this cell discharges the current I1, this cell discharges the current I2, this is the current I1 and this is the current I2. When these two currents added, the net current will be I.
नेट करंट विल बी आई मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा लेकिन करंट विल बी डिफरेंट इन द ब्रांचेस हैविंग द डिफरेंट ईएमएफ ऑफ द सेल। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो एक बात मैं कह सकता हूं कि VA माइनस VB इट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल ऑफ ईएमएफ E1 आल्सो एंड इट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल ऑफ ईएमएफ E2 आल्सो। हमने बेटा VA माइनस VB को हमने V से डिनोट कर दिया, ध्यान देना जहां V लिखा है दैट विल बी अंडरस्टैंड एज VA माइनस VB। अब देखिए फर्स्ट सेल आपका डिस्चार्ज हो रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E1 माइनस I1 इनटू R1। अच्छा इससे पहले एक बात और लिख दूं फिर आगे बढ़ू, इससे पहले बेटा हम आगे बढ़े एक एक्सप्रेशन देखिएगा। ये करंट आई है रिजल्टेंट करंट ऑफ दीज टू ब्रांचेस एंड दिस इज द रीजन यू कैन राइट हियर आई इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। वी कैन राइट हियर आई इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 डिस्चार्जेस द करंट I1। Therefore, you can say that VA minus VB is equals to E1 minus I1 R1, and this VA minus VB can be written as V, and therefore it will be E2 minus I2 into R, and this implies that I2 is equals to E2 minus V divided by R2. तो दिस इज द सॉरी 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 आई वन है बेटा E1 I1 R1 आई एम रियली वेरी सॉरी तो I1 ही निकाल रहे हैं I1। इन द सेम वे अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी सॉरी यहां पर अगर आप देखें तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है VA माइनस VB and VA minus VB is equals to E2 minus I2 R2, and this implies that V is equals to E2 minus I2 R2, और यहां से अगर I2 निकाले तो it becomes E2 minus V divided by R2। अब आता थी इक्विवेलेंट करंट आई है, अगर हम इन दोनों सेल का कॉम्बिनेशन बोथ द सेल्स आर रिप्लेस बाय द वन सेल एंड डिस्चार्जेस द सेम करंट एज इज डिस्चार्जेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स इन बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी एंड हैविंग द सेम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो जितनी करंट ये दोनों मिलकर डिस्चार्ज कर रहे हैं उतनी करंट ये सेल अकेले डिस्चार्ज करता सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो ये अंडर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये इन दोनों का क्या कहलाता है इक्विवेलेंट। और यहां पर बेटा अगर मैं फॉर इक्विवेलेंट लिखूं तो यहां पर आप लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट and this implies that I is equals to E equivalent minus V divided by R equivalent. Just put these values in the expression I is equals to I1 plus I2. E equivalent minus V upon R equivalent. ये बेटा आपने I की value डाल दी यहाँ पर, I1 और I2 यहाँ पर put करिए, तो it becomes E1 minus V divided by R1 and plus E2 minus V divided by R2, and this implied that E equivalent upon R equivalent minus V upon R equivalent equals to यहां पर ये आ गया बेटा E1 upon R1 plus E2 upon R2, यहां पर V आपने कॉमन ले लिया and it becomes 1 upon R1 plus 1 upon R2।
अगर हम दोनों साइड को कंपेयर करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स अगर आप दोनों साइड को कंपेयर करें कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ये दोनों डेरिवेशन बेटा इंपॉर्टेंट है और यहां से आप पाएंगे E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। V के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो इट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो सबसे अगर यहां पर कभी कभी बेटा डायरेक्ट इस पर बेस क्वेश्चन भी आ जाता है तो सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकलेगा उसकी वैल्यू यहां पुट करी जाएगी तब E इक्विवेलेंट आपका निकलेगा। तो ये रहा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पर। नाउ बेटा ये बोर्ड 2010 का आया हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखते क्या कहता है। कहता है अ वायर और रेजिस्टेंस 8 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ डायमीटर AB। इसको मैं कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं समझता, 10th के बच्चे से भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाना चाहिए। अब ये बताओ बेटा इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस 8 ओम था, आपने एक टर्मिनल यहां लगा दिया एक टर्मिनल यहां पर लगा दिया। जब भी आप कहीं पर कोई टर्मिनल मार्क कर देते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डीसी सोर्स लगाते हैं तो इन्हीं दोनों टर्मिनल के अक्रॉस यहां पर लगाया जाता है। अब एक तरीके से कहा जाए कि हमें ए और बी के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए। जरा देखना बेटा ये आधा पोर्शन है तो पूरे पोर्शन का रेजिस्टेंस अगर 8 ओम है तो आधे पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा 4 ओम होगा। हमने इस सर्किट को रिड्रॉ कर लिया। अब इसी तरीके से ये भी आपका 4 ओम होगा ए और बी के बीच में, ये भी आपने 4 ओम कह दिया कि ये भी 4 ओम होगा सर, दिस विल बी आल्सो इक्वल्स टू 4 ओम। ये 4 ओम है ये भी 4 ओम है, ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। आप ये बताओ बेटा अगर करंट आती तो यहां से डिवाइड होती ना, ये दोनों कैसे दिख रहे सीधे तौर पर किसमें दिख रहे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और आपने बड़ी आसानी के साथ बता दिया सर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है ना पैरेलल में, एंड दिस इंप्लाइड दैट R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू इट विल बी 4, दिस इंप्लाइड दैट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2/4, 2 × 4 एंड दिस इंप्लाइड दैट R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2। जरा यहीं पर एक एग्जांपल हम और आपसे बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोट्स कॉपी में बनाने हैं बेटा। यहां पर ये भी बेटा बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना था, उस 5 मार्क्स क्वेश्चन का ये एक पार्ट है, मतलब ये नहीं कहता कि ये पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन का एक पार्ट था, ये भी बोर्ड का आया हुआ ही क्वेश्चन है। यहां पर आपको रजिस्टर्स दिए गए हैं, ये रजिस्टर्स आपको दिए गए, ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। द ईच रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, हर एक रजिस्टर का जो रजिस्टेंस है वो आर है। आपको ये बताना है कि ए और बी के बीच में व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा वो आपको बताना है। तो एक सिंपल सी बात मैं आज आपको सिखाता हूं, नेटवर्क की प्रॉब्लम कितनी भी टफ क्यों ना हो, यहां पर वो बात नहीं बोली बहुत आसान क्वेश्चन था आप बोल रहे हो, एक चीज का ये ध्यान रखना बेटा कि कौन कॉमन टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड और कहां पर पोटेंशियल डिवाइड होता है, ये दो बेसिक क्लू होते हैं। मैं ये नहीं कहता है कि दे आर ओनली क्लू, मैं कहता है ये दो बहुत बेसिक क्लू होते हैं इस बात को डिसाइड करने के लिए आइदर द कंपोनेंट्स, यहां पर कंपोनेंट कौन है रजिस्टर है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। देखो अगर ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैं वी ए मान लू और इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैं वी वी मान लू, आप न्यूमेरिकल से ज्यादा मेरे बताए गए कंसेप्ट पर फोकस करना बेटा। ये टर्मिनल ए है, दिस इज द टर्मिनल ए एंड दिस इज द टर्मिनल बी,
मैं इसको रिड्रॉ करता हूं। ये बता बेटा, यहां से यहां तक कोई रजिस्टर नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, तो अगर यहां पोटेंशियल VA है तो यहां पर भी कितना होगा, VA होगा। यहां पर कोई भी रजिस्टर यहां से यहां तक नहीं है, कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मीन्स एक बात समझ में आ गई, यहां पर देखो, यहां से यहां तक कोई भी रजिस्टर नहीं है, कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, VB यहां पर है तो यहां पर भी VB, सिमिलरली यहां पर भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहां पर भी VB। अब ध्यान से सुनना जरा, इस रजिस्टर की सूरत हाल देखो कि दिस रजिस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन द बिटवीन द टर्मिनल्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। उठाओ और VA माइनस VB के बीच में ये रजिस्टर कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कर दिया आपने। इस रजिस्टर को देखो, ये भी VA माइनस VB के बीच में कनेक्टेड है, उठाओ और इसको भी VA माइनस VB के बीच में कनेक्ट कर दो, प्लेनर ज्योमेट्री में ड्रॉ करना है इसको। अब देखो ये VA से है, ये VA से, ठीक हो गया, लेकिन ये पॉइंट अगर C है तो यहां पर पोटेंशियल अगर VC माने तो ये VA और VC के बीच में, ये VA और VC के बीच में, VA से दोनों कनेक्टेड है, ये रजिस्टर भी आपका VA VC के बीच में, ये VA VC के बीच में, और आप देख सकते हो उसके बाद ये C आ गया टर्मिनल, ये C हो गया, ये VC VB के बीच में, ये VC VB के बीच में, VC VB के बीच में फिर रजिस्टर आप डाल दो, ये VC VB के बीच में रजिस्टर आ गया। और इस तरीके से ये तुम्हारा जो नेटवर्क था ना बेटा, वो नेटवर्क एक प्लेनर ज्योमेट्री में सॉल्व होके आ गया। अब मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, वो तुरंत निकाल देंगे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। आप देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस को अगर हम R1 कह दें, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर हम R2 कह दें, तो आप देख सकते हैं कि 1 upon R1 = 1 upon R + 1 upon R, that is 2/R. This implies that R1 = R/2 and similarly R2 = R/2. अब क्या हो गया, R1 + R2, अगर इनके इक्विवेलेंट को मैं R12 कह दूं, तो R12 = R1 + R2, R/2 + R/2 = बेटा कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस R आ गया, इसका R आ गया, इसका R आ गया, वो सारे किसके बीच में कनेक्टेड है, A और B के बीच में, पैरेलल हुए ना, और अगर पैरेलल हुए तो R इक्विवेलेंट 1 upon R = 1 upon R + 1 upon R + 1 upon R, और यहां से आपको ये वैल्यू मिल गई R equivalent = R/3। तो ये एक नेटवर्क का क्वेश्चन रहा। यहीं पर बेटा एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं आपसे, द वन मोर क्वेश्चन यहीं पर आपसे एक डिस्कस करते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपसे कहता हूं 1 marks का ग्राफ आपसे पूछ देता है, मैं थोड़ा सा चूंकि ये पढ़ा चुका हूं सारी चीजें, इसलिए आपसे ये बातें मैं पूछ सकता हूं। मैंने कहा बेटा इस पर मैंने आई को प्लॉट कर दिया है, ये आई प्लॉट है और इस पर बी प्लॉट है, ठीक, इस पर आई कर लो, इस पर थोड़ा सा और इसको ट्विस्ट किया जाए क्वेश्चन को, इस पर बी प्लॉट है, यहां पर एक रजिस्टर, एक कंडक्टर ए है और एक कंडक्टर बी है, सॉरी, यहां पर एक कंडक्टर को हमने दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रखा है, तो एक बार आई वर्सेस वी का ग्राफ ये आ रहा है टेम्परेचर T1 पर, और टेम्परेचर T2 पर आई वर्सेस वी का ग्राफ ये आ रहा है। अगेन आई एम सेइंग दैट कि देयर इज अ कंडक्टर एट द टेम्परेचर T1, आई वर्सेस वी का ये ग्राफ है, और एट द टेम्परेचर T2 आई वर्सेस वी का ये ग्राफ है। आपको ये बताना है कि T1 ग्रेटर देन T2 है कि T2 ग्रेटर देन T1 है। तो सबसे पहले मेरी उस बात पे जाओ, मैंने जो तुमको समझाया था कि आईबी ग्राफ से तुम्हें क्या मिलेगा, मैंने कहा स्ट्रेट लाइन ग्राफ और स्लोप से आपको या तो रेजिस्टेंस मिलेगा या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस स्लोप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आई अपॉन बी,
और आई अपॉन बी क्या होता है, वन अपॉन आर। एक बात तो साफ हो गई कि भैया यहां से रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा। आप देख सकते हो ये पहला स्लोप ज्यादा है, अगर मैं इसको थीटा वन कह दूं, ये थीटा वन, तो ये कितना हो गया थीटा टू। स्लोप किसकी वैल्यू दे रहा है, आई बाई वन बाई आर की। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वन बाई आर की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसका स्लोप कम होगा उसका वन बाई आर कम होगा। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू, दिस इंप्लाइज दैट वन अपॉन आर वन इज ग्रेटर देन वन अपॉन आर टू, जहां पर आर वन है रेजिस्टेंस एट द टेम्परेचर टी टू एंड आर टू है रेजिस्टेंस एट द टेम्परेचर टी वन, दैट इज आर टू इज ग्रेटर देन आर वन। मीन्स यहां पर सेकेंड केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और फर्स्ट केस में क्या होगा, कम। रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी टू ज्यादा, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी वन कम। अभी आपने एक बात तय करी, मैंने कहा ना एक क्वेश्चन में सब मिला दिया। अब यहीं पर ये टेस्ट हो गया कि मेरे बच्चे को ये पता है कि नहीं पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस किसका कब ज्यादा आया, टेम्परेचर टी टू पर ज्यादा आया ना। तो यहां पर अगर रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है इसका मतलब ये टेम्परेचर भी ज्यादा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि फॉर कंडक्टर्स, अगर हम फॉर कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर आप राइज करेंगे रेजिस्टेंस क्या करेगा, राइज करेगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, टी टू इज ग्रेटर देन टी वन। और इस तरीके से आप अपने एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि एक नंबर में भी वो चैप्टर के दो तीन टॉपिक एक साथ आपसे मर्ज कर देगा। नाउ बेटा वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बोर्ड पेपर्स अगेन ईयर 2016। ये क्वेश्चन आपको इसलिए मुझे बोर्ड पेपर्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है नहीं बेटा, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड ने कई बार पूछे हैं, रिपीट किए हैं। कहता अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड टू अ 4 ओम रेजिस्टर एज शोन इन फिगर, शो दैट अ वोल्ट मीटर विल प्लेस अक्रॉस द सेल एंड देन अक्रॉस द रेजिस्टर विद द सेम रीडिंग। ये प्रूफ करके दिखाना है कि जब ये वोल्ट मीटर इस टर्मिनल के अक्रॉस लगा हुआ है तब भी जो रीडिंग देगा, और अगर मैं ये वोल्ट मीटर उठा के यहाँ पर लगा देता इस 4 ओम के अक्रॉस तब भी यहाँ पर वही रीडिंग आपको देगा। हम एक बात को सीधे तौर पे जानते हैं कि वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं और पैरेलल के अक्रॉस वो क्या मेजर करते हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं इन बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब जरा देखना बेटा, 12 ओम का डीसी सोर्स का है ये, 12 मतलब इसका वोल्टेज डीसी सोर्स है और रेजिस्टेंस कितना है बेटा 2 ओम है। हमने आपको बता रखा है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन कल वर्डली दी रखी होगी, सिंबॉलिकली दे रखी होगी, रिप्रेजेंट नहीं किया गया होगा, तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सेल के साथ सीरीज में दिखाना है। ये भैया इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 2 ओम हो गया। अब देखो मैंने कहा मान लेते हैं ये सेल करंट आई डिस्चार्ज कर रही है, अकेला सेल है उसमें कोई इत्तेफाकी नहीं होना चाहिए कि डिस्चार्ज नहीं करेगा, इट डिस्चार्जेस द करंट आई, ये करंट आई डिस्चार्ज कर रहा है। जब तक हमें नहीं कहा जाता मैं मानता हूं कि ये आइडियल वोल्ट मीटर, और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ये बात आप लोगों को पता होगी, नहीं पता है तो जान लीजिए। वैसे भी अभी जब मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आऊंगा तो एमीटर और वोल्ट मीटर सीबीएसई के बच्चों में वहां पर टॉपिक दे रखा, आईएससी के बच्चों में करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक छोटा सा टॉपिक आगे बना के दे देते हैं एंड ऑफ द चैप्टर पर। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो उसमें कोई करंट जाएगी नहीं। और मैंने आपसे कहा कि जब तक हमें कुछ कहा ना जाए हम वोल्ट मीटर को आइडियल ही मानेंगे। सिमिलरली आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो मानते हैं, मीन्स यहां से आपकी सेम करंट पास कर जाएगी, और करंट जीरो तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप इसके, सॉरी रेजिस्टेंस जीरो तो इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। खैर मुद्दे पर आते हैं, तो बात अदर देन क्वेश्चन हो गई। अब करंट आई को निकाला कैसे जाए, तो मैंने कहा आपको बताया था आई इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर इक्विवेलेंट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला हम डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल में आपको पढ़ाए थे, वहां ई अपॉन आर प्लस आर लिखा था,
वहां पर भी मैंने अंडरस्टैंडिंग यही बताई थी कि ई का मतलब ई इक्विवेलेंट है और कैपिटल आर का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट और स्मॉल आर इक्विवेलेंट का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। वो बात अलग है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं दे रखा, सिंगल सिंगल दे रखे हैं। ईएमएफ ऑफ द सेल देखा जाए तो 12 वोल्ट है बेटा। कैपिटल आर इस यहाँ से यहाँ तक अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देखे तो सिर्फ 4 ओम है और इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये 2 ओम है, दिस विल बी 2 ओम एंड दिस इंप्लाइड दैट आई इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 6 टू जा 12, दिस इंप्लाइड दैट आई इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ठीक, अब ये बताओ यहां पर इसके क्रॉस ये वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस होगा वही तो ये रीड करेगा ना। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम V इज इक्वल टू E माइनस IR लिखेंगे। अब यहां पर इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहां पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल के लिए लिख रहे हैं कि चार्जिंग ऑफ द सेल के लिए, क्योंकि सेल डिस्चार्ज करेगा तो V इज इक्वल टू E माइनस IR, सेल चार्ज होगा तो V इज इक्वल टू E प्लस IR। अभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। खैर यहां पर हमने पॉजिटिव से करंट निकलता दिखाया, सेल भैया है डिस्चार्जिंग, तो इसके क्रॉस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर और V इज इक्वल्स टू कितना होगा E माइनस I इंटू स्मॉल R। दिस इंप्लाइज दैट V इज इक्वल्स टू EMF कितना 12 है माइनस I कितना है 2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, दिस इंप्लाइज दैट V इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2 दैट इज 8 वोल्ट। ये रीडिंग आ गई भैया इस वोल्ट मीटर। अब ये बताओ यही वोल्ट मीटर जब यहां पर आके हम लगा देंगे तो इसके क्रॉस भी तो वही मेजर करेगा, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर देखेंगे तो I इंटू R होगा या नहीं होगा, और यहां से देखा जाए तो V इज इक्वल्स टू I कितना 2 है R कितना है 4 है, दिस इंप्लाइज दैट V इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया, और यहां पर भी अगर 8 वोल्ट आ गया आप देख सकते हैं कि दोनों की रीडिंग 8 वोल्ट आई है जब आपने वोल्ट मीटर सेल के एंड के अक्रॉस कनेक्ट किया एज वेल एज 4 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया अक्रॉस बोथ द कंपोनेंट्स, अक्रॉस द बोथ द कंपोनेंट्स द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इज 8 वोल्ट। थैंक यू सो मच फॉर